आज के ब्लॉग में बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा फिर अपना डाइट ही बना दें। तो आज जो हमारे मैडम है वो कहते हैं मैं छुट्टी पे हूँ, आज आप बना दो डाइट। सो आई एम मेकिंग चिकन राइट नाउ। एज एवरीबॉडी नोस कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वेदर इज लाइक वीकेंड और वीक डे, डोंट स्किप योर डाइट इन टर्म्स ऑफ आउट से मील। ठीक है, प्रोटीन भी जरूरी है बॉडी में। अब जरूरी ये भी नहीं है कि वो चिकन से ही आए, आप कोई वेज सोर्स भी ले सकते हैं इफ़ यू आर वेजिटेरियन। बट मेरे एंड पे मैं आई प्रेफर चिकन बिकॉज मैं नॉनवेज खा लेता हूँ, बट जो लोग नहीं खा सकते उनके लिए वो विद सम वेजिटेबल्स और समथिंग लाइक दैट। थोड़ी देर लगेगी अभी से चिकन को बनने में, तब तक डिस्कशन हो जाए। आज आई वॉज थिंकिंग कि मैं कहा था कोई मतलब एज एन ब्लॉग बनाऊँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि चलो आज थोड़ी सी बातचीत हो जाए और डाइट भी बन जाएगी साइड बाई साइड। वैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि व्हाट टू डू इन टर्म्स ऑफ लाइक दी वेट लॉस और फैट लॉस। तो एज सच मैं कोई सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ या मैं कोई एज एन इतनी नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट यस इतना पता है कि अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस पे जाना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना होता है। यू कैन अवॉइड कार्ब्स, लाइक आजकल हम क्या करते हैं मॉर्निंग में मैंने देखा है वी गो विद सम पराठास, देन उसके बाद में दोपहर में फिर चपाती, फिर चावल, फिर रात को फिर चपाती, फिर चावल। इन सबसे पहले कि हमारी थोड़ी जो कार्ब्स इनटेक है उसे आप लो करें, उसके बाद में जो आपकी दिन की कैलोरीज हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम टेकिंग ओनली 1000 कैलोरीज विच इज़ वेरी लेस एक्चुअली, बट यस कहीं ना कहीं मैंने विद इन 2 मंथ्स में 5 kg तक अपना फैट लॉस पे जो मेरा वेट है वो ड्रॉप हुआ है और उसमें ऑलमोस्ट 5 kg मेरा रिड्यूस हुआ है। सो आई एम कीप ट्रैकिंग ऑन अ लाइक डेली बेसिस इन द मॉर्निंग कि वो कितने ग्राम में मेरा फैट लॉस हो रहा है, अगर मैं डाइट ले रहा हूँ तो कैसे कैसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप लोगों को भी कैलकुलेट अपने वे में करना होगा। आप वेइंग मशीन ला के किचन में अपना चेक कर सकते हैं कि इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग, तो वो आप रॉ कैलकुलेट कर लें। रॉ कैलकुलेट करने के बाद में आप अपने दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक ले रहे हैं उसे कैलकुलेट कर लें। अवॉइड करें शुगर को, थोड़ा सा सॉल्ट भी आप अगर आप छोड़ दें, क्योंकि मोस्टली हम दिन में दोपहर में रात में तीनों मील के अंदर हमारा सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉल्ट इनटेक थोड़ा सा कम कर लें, तब भी हम अपने जो बॉडी वाटर होल्ड करती है वो कहीं ना कहीं आपका ड्रॉप हो सकता है। बाकी एज सच बहुत से वेबसाइट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वेयर वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, नहीं कि आपको मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नीडेड है, आप अपने एंड पे भी कुछ रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो गो ऑन एंड चेक द थिंग्स।